पंजाब के लोग अकाली दल बादल एवं कांग्रेस पार्टी के 40 साल के राज से दुखी हो चुके हैं। इन दोनों ने पंजाब को रंगला पंजाब से कंगला पंजाब बना दिया है। भ्रष्टाचार पुलिस में और विधायकों की जनता के साथ लूटमार का आरोप लोकसभा पटियाला से नया पंजाब पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर गांधी ने लगाए। डॉक्टर धर्मवीर गांधी स्माना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी गिनती 25 के करीब थी, आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ पंजाब एकता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके डॉक्टर गांधी ने कहा कि पंजाब की जनता पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहती है। आजाद टीवी न्यूज के लिए स्माना से नेहा कौशिक की रिपोर्ट। अज इतने जी पंजाब एकता पार्टी के घट्टो घट्ट 20 बंदे ज्वाइन कर रहे हैं जिहड़े कांग्रेस छड़ के साढ़े नाल गांधी जी की सपोर्ट करने वास्ते मैंबर पार्लीमेंट की जी इलैक्शन है वो वास्ते साडा जिहड़ा सांझा प्रोग्राम है उन्होंने हलारा देने वास्ते 20 बंदे इत्थे जिहड़े साडे साथी ने कांग्रेस छड़ के जिहदे मोहरी सतनाम चीमा जी, जितेंद्र जी, गुरनाम जी, सतनाम जी, अपना सारे बंदे 20 बंदे ने जिहड़े ज्वाइन कर रहे ने। देखो जी अज तकरीबन 20 दे करीब इलाके दे जो सरकार दा लीडर ने जिन्होंने बड़े अहम अहुदियां दे भी काम किया और बड़ी तनदेही नाल कांग्रेस पार्टी च काम किया, पर कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों नाल वादे किए जिवें वफा नहीं किए और जो कांग्रेस पार्टी लोगों नूं आस सी अकालियां दे दुष्ट राज तों खत्म करके इत्थे कानून दा राज होगा, लुट नहीं होगी, माफिया राज खत्म होगा, नशे खत्म होंगे, किसानी नूं राहत मिलेगी, नौजवानों रुजगार मिलेगा, वो सारे वादे तो किवें कैप्टन सरकार भज्जी हैगी है और किसानों के करजे माफ करने से अजे नहीं गोड़े चो पौनी तक नहीं कती हैगी है।